दोस्तों अगर आप तिलक वर्मा की परफॉर्मेंस से खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों इंडियन प्रीमियर लीग 2023 के पांचवें मैच में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और मुंबई इंडियंस के बीच कड़ी टक्कर हुई। तो आखिर कैसे बेंगलोर के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया, उसका पूरा हाईलाइट आपको दिखाएंगे और साथ ही साथ इस रोमांचक मुकाबले की रोंगटे खड़े कर देने वाली पूरा हाईलाइट का वीडियो दिखाने वाले हैं। लेकिन अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। और दोस्तों आप दोनों टीमों में से किस टीम को सपोर्ट करते हैं कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों आज के इस मुकाबले में आरसीबी ने टॉस जीतकर पहले मुंबई को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया, जहां पर मुंबई इंडियंस की ओर से रोहित शर्मा और ईशान किशन बल्लेबाजी करने आते हैं ओपनिंग के तौर पर। बेंगलोर की गेंदबाजी आक्रमण की कमान मोहम्मद सिराज ने संभाली, जहाँ पर उन्होंने पहले ओवर में सिर्फ 2 रन दिए। रोहित ने पहली और ईशान ने पांचवी गेंद पर सिंगल निकाला। वहीं दोस्तों आरसीबी के लिए दूसरा ओवर लेकर आते हैं रिश टॉप्सी, जहां पर उन्होंने इस ओवर में कुल 9 रन दिए, जहां पर ईशान ने इस ओवर में अपना हाथ खोला और उन्होंने पहली और चौथी गेंद पर शानदार चौका लगाया और फिर आखिरी गेंद पर 1 रन ले लिया। इसके बाद सिराज ने आरसीबी को पहली सफलता दिला दी, जहां पर उन्होंने तीसरी ओवर की तीसरी गेंद पर ईशान किशन को अपने जाल में फंसाया, जहां पर ईशान ने बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में थर्ड मैन की दिशा में हर्षल पटेल को कैच थमा बैठे और उन्होंने जहां पर 13 गेंदों में 2 चौकों के जरिए कुल 10 रन बनाए थे। वहीं रोहित शर्मा और कैमरन ग्रीन 1-1 रन बनाकर अपने टीम के स्कोर को अब आगे बढ़ाते हैं। और वहीं इसके बाद मुंबई इंडियंस को एक और बड़ा झटका लगता है, जहां पर कैमरन ग्रीन के रूप में ये झटका लगता है, जहां पर ईशान के बाद बैटिंग के लिए आए ग्रीन सस्ते में आउट होकर अपना विकेट गंवा बैठते हैं। उन्हें रील स्टॉप्सी ने चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर बोल कर दिया, जहां पर ग्रीन ने 4 गेंदों में 5 रन जुटाए थे और उन्होंने इस दौरान 1 चौका भी लगाया था। वहीं दोस्तों मुंबई का तीसरा विकेट कप्तान रोहित शर्मा के तौर पर गिरा है, जहां पर रोहित को 1 जीवन दान मिला लेकिन वह फिर भी उनका बल्ला खामोश रहा। उन्होंने 10 गेंदों में केवल 1 रन बनाए थे। रोहित को आकाशदीप ने 6 ओवर की दूसरी गेंद पर अपना शिकार बनाया, यहाँ पर रोहित ने विकेटकीपर दिनेश कार्तिक को अपना कैच थमा बैठे और सूर्य कुमार यादव 5 और तिलक वर्मा 7 रन बनाकर अब अपने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाते हैं। वहीं दोस्तों मुंबई इंडियंस अब अपने अर्धशतक के करीब भी पहुंच रही थी, जहां पर सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा संभल कर मुंबई की पारी को आगे बढ़ा रहे हैं, जहां पर दोनों की भी चौथे विकेट के लिए 20 रन से अधिक की साझेदारी हो चुकी थी। वहीं आरसीबी की ओर से माइकल ब्रिसबेल ने आरसीबी को चौथी बड़ी सफलता दिला दी, जहां पर उन्होंने 9वें ओवर में सूर्य कुमार यादव का शिकार किया। सूर्या ने बैकवर्ड पॉइंट पर शाहबाज अहमद के हाथों कैच लपके गए, जहां पर उन्होंने 16 गेंदों में केवल 15 रन ही बनाए थे। इस दौरान उन्होंने एक शानदार चौका भी लगाया था। सूर्या के आउट होने के बाद निहल वाधेरा बैटिंग करने के लिए आते हैं। वहीं तिलक वर्मा अपने अर्धशतक के भी करीब धीरे धीरे पहुँच गए थे, जहाँ पर उन्होंने 21 गेंदों में 37 रन जुटा लिए थे। वहीं निहल उनका बखूबी साथ दे रहे थे और निहल 8 रन बनाकर अपने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाते हैं। वहीं मुंबई इंडियंस को पांचवा झटका निहल वाधेरा के रूप में लगता है, जहां पर उन्हें कर्ण शर्मा ने 14वें ओवर की पांचवी गेंद पर विराट कोहली के हाथों कैच लपकवा दिया और इस दौरान निहल ने 13 गेंदों में 21 रन का योगदान दिया। इसी के साथ ही मुंबई इंडियंस का शतक भी पूरा हो गया। वहीं तिलक वर्मा को अर्धशतक पूरा करने के लिए सिर्फ 5 रन की जरूरत होती है और उन्होंने जहां पर 29 गेंदों में 42 रन बना लेते हैं, वहीं टीम डेविड 3 रन बनाकर इनका साथ बखूबी निभाते हैं। वहीं मुंबई इंडियंस को 6 विकेट के रूप में एक और बड़ा विकेट गिर जाता है, जहां पर टीम डेविड का बल्ला नहीं चलता है और उन्हें केवल 7 गेंदों में केवल 4 रन ही बना पाते हैं, जहां पर डेविड को कर्ण शर्मा ने 16वें ओवर की तीसरी गेंद पर बोल कर दिया, जबकि तिलक वर्मा 47 रन बनाकर अभी भी क्रीज पर मौजूद होते हैं। वहीं तिलक वर्मा का साथ देने के लिए अब बल्लेबाजी करने आते हैं ऋतिक शौकीन और इसी के साथ ही तिलक वर्मा अपना अर्धशतक भी पूरा कर लेते हैं, जहां पर उन्होंने 32 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। और आपको बता दें उन्होंने 17वें ओवर की पहली ही गेंद पर छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया और यह उनकी आईपीएल करियर का तीसरा अर्धशतक था। वहीं ऋतिक शौकीन सस्ते में आउट हो जाते हैं, जहां पर उन्होंने 3 गेंदों में केवल 5 रन ही बनाए। बता दें शौकीन को 18वें ओवर में हर्षल पटेल ने अपना शिकार बनाया। उन्होंने ओवर की दूसरी गेंद पर हाफ डुप्लेसिस को अपना कैच थमा बैठते हैं। ऋतिक शौकीन के आउट होने के बाद अरशद खान बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं। वहीं बता दें आरसीबी को 192 रन का टारगेट मिलता है, जहां पर मुंबई ने सिराज द्वारा डाले गए 19वें ओवर में 16 रन बनाए। वहीं मुंबई इंडियंस ने 20वें ओवर में 22 रन बटोरे, जहां पर अंतिम ओवर में हर्षल पटेल ने कमाल कर दिया। तिलक ने जहां पर 46 गेंदों में नाबाद 84 रन बनाए, वहीं अरशद खान ने 9 गेंदों में नाबाद 15 रन जोड़े।
गई। वहीं आरसीबी की टीम की ओर से लक्ष्य का पीछा करने के लिए ओपनिंग के तौर पर विराट कोहली और हाफ डुप्लेसिस बैटिंग करने के लिए आते हैं। वहीं मुंबई इंडियंस की ओर से पहला ओवर लेकर जेसन आते हैं, जहां पर उन्होंने पहले ओवर में केवल 5 रन खर्च किए, जहां पर विराट कोहली 2 और डुप्लेसिस 3 रन पहले ओवर में बना लेते हैं। वहीं चौथे ओवर में कोहली को एक जीवन दान मिलता है, जहां पर जोफ्रा आर्चर ने चौथे ओवर की पहली गेंद पर कांड इन बोल्ड का मौका गंवा दिया। कोहली ने लेंथ गेंद मिलने के बाद सामने की दिशा में शॉट खेला, लेकिन आर्चर ने कैच छोड़ दिया। इसके बाद कोहली ने दूसरी गेंद पर चौका और पांचवी गेंद पर शानदार छक्का लगाया और कोहली 18 जबकि डुप्लेसिस 19 रन बनाकर अपनी टीम को शानदार स्कोर के साथ आगे बढ़ाते हैं। वहीं पावर प्ले समाप्त होने के बाद आरसीबी ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया, जहां पर डुप्लेसिस 26 जबकि कोहली 23 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद होते हैं। वहीं धीरे धीरे हाफ डुप्लेसिस अपने अर्धशतक के भी करीब धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, जहां पर उन्होंने 26 गेंदों में 44 रन जुटा लिए थे। और इस प्रकार आरसीबी की टीम बिना किसी विकेट के नुकसान के 8 ओवर के बाद 75 रन बना लेते हैं। और इसी के साथ डुप्लेसिस ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया, जहां पर उन्होंने 29 गेंदों में अपना 50 बनाया और यह उनकी आईपीएल करियर का 26वां अर्धशतक है। वहीं विराट कोहली 33 गेंदों में 45 रन बना चुके थे। और आपको बता दें, डुप्लेसिस के बाद कोहली ने भी अपना 50 ठोक दिया, जहां पर कोहली ने 38 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और यह उनका 45वां आईपीएल 50 था। वहीं दोस्तों, आरसीबी जीत की ओर धीरे धीरे बढ़ रही थी, जबकि मुंबई इंडियंस को अभी तक पहला विकेट भी नहीं मिला है। बता दें, डुप्लेसिस 73 और कोहली 62 रन की निजी स्कोर के साथ अपनी टीम की स्कोर को आगे बढ़ाते हैं। वहीं आरसीबी को जीत के लिए 36 गेंदों में केवल 33 रन की जरूरत होती है। वहीं आरसीबी को एक बड़ा झटका लगता है, जहां पर पहला झटका हाफ डुप्लेसिस के रूप में लगा। डुप्लेसिस ने 43 गेंदों में 73 रन की पारी खेली और इस दौरान उन्होंने 5 चौके और 6 छक्के जड़े, जहां पर डुप्लेसिस को अरशद खान ने 15वें ओवर में अपना शिकार बनाया। डुप्लेसिस के आउट होने के बाद दिनेश कार्तिक बैटिंग करने के लिए आते हैं और उन्हें बैंगलोर को दूसरा बड़ा झटका लगता है, जहां पर दिनेश कार्तिक बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। उन्हें कैमरन ग्रीन ने 16वें ओवर की तीसरी गेंद पर तिलक के हाथों कैच करा दिया। और इसके साथ ही 2 विकेट के नुकसान के साथ आरसीबी 16 ओवर की समाप्ति के बाद 161 रन बना लेते हैं। वहीं इसके बाद आरसीबी ने पहले मैच में मुंबई इंडियंस को 8 विकेट से धूल चढ़ा दी, जहां पर मुंबई ने 172 रन का टारगेट रखा था, जिसे आरसीबी ने 16 ओवर 2 गेंदों में ही आसानी से हासिल कर लिया।